और अब बता दो इस तरह देख पा रहे हो केक तो यार बहुत अच्छी है तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे, तो हम भी अच्छे हैं। और आज आयश आज तो ना मौसम वैसे ठंडा है पर वैसे गर्मी लग रही है, और वैसे गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है क्योंकि मेरे को ना जुकाम लग पड़ा है। और आज अबू आया क्योंकि ये सुबह आया है, क्योंकि आज ना शौर्य का जन्मदिन है, तो हम केक लेने आए ये ज्वाली में ना सुबह। तो अब मेरे साथ जा रहा है ये हर्षद, क्योंकि मेरे को काम भी था और रात को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि यार बच्चा है थोड़ा छोटा सा है, तो आपको पता ही है सेलिब्रेट छोटा से होगा। और केक लेते हुए चलते हैं। और ये हम जिम हूँ और इसको यार अकेला छोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। और मम्मी आ जाएंगे थोड़ी देर में, अभी टाइम हुआ है 12:30, तो बाइक अपनी स्प्लेंडर उठाते हैं फिर चलते हैं हमारी स्प्लेंडर, और इसको स्टार्ट करते फिर चलते हैं बाहर जिम। बोलता तो बाइक निकाल लिए बाहर, चलते हैं हम, पहले केक लेते हैं फिर चलते हैं, नहीं पहले घर की चाबी देंगे मम्मी को और फिर चलते केक लेने। Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. तो गाइस पहुंच गए हम ना केक की वाली दुकान पे। मेरा हमारे भाई हैं बड़े, उनकी दुकान है ये, देख सकते हो भाई जी जो केक बना रहे हैं, और उनकी दुकान पे हम केक लेंगे। देख सकते हो यार बहुत ही बिजी है, आप देख सकते हो यार कितने ज़्यादा, मतलब केक की हर प्रकार की वैरायटी मिल जाएंगी यहाँ पर। इस तरह देख पा रहे हो केक, मतलब 250 से स्टार्ट हो जाते केक यहाँ से, सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। हमारे भाई जी हैं जे केक बनाते हैं, इनकी दुकान है ना रेलवे फाटक के पास है, देख सकते हो ये है भाई जी। और अब बता दो यार कितने के हैं केक, कहाँ हम हिमाचल में सबसे सस्ते केक बेचते हैं। नहीं मैं नहीं मानता, कभी भी आओ रात के 2 बजे या 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। और दुकान का क्या नाम है? माँ लक्ष्मी बेकर लेन रेलवे क्रॉसिंग ज्वाली, जो ज्वाली में है। तो आओ, आई होप ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो यार बहुत अच्छी है, आप जाके देखते हैं। और ये रेट बता रहे हैं, ये 400 का, 400 रुपये का है, इसको 4 पाउंड बोलते हैं। अगर कहीं भी आप जगह पे लोगे तो ये आपको 800 रुपये में देंगे या 700 रुपये में देंगे। भाई के पास सबसे सस्ते हैं ये, ओके बहुत बढ़िया सर। ये 300 का भाई, क्या बात है क्या बात है यार। रेट 400 का बेचते हैं, बाकी सभी दुकान पर कहीं भी ज्वाली भरमार वाली तरह कहीं भी 400-500 के नीचे। केक की क्वालिटी देख सकते हैं यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। गाइस आपको लग गया पता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इनकी दुकान का, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सीधा इनसे, और अपने हिसाब से केक बना सकते हो और जो भी करना है कर सकते हो। और चलते हैं बाहर से। तो गाइस देख सकते हैं हम पहुँच गए ना अपने ना बस वाले पुल, और साथ में है ट्रेन वाला। और यार आपको एक चीज़ दिखानी थी, क्योंकि ना अब हिमाचल में बहुत ज़्यादा ना वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं यार कितना ज़्यादा पानी है गहरा, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यार ना हम ना बाथरूम की लड़ी भी डूब जाएगी, तो जो ऐसे सिचुएशन में ना नहाना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा क्राउड होता है और डूब जाते हैं। तो इसी कारण ना हिमाचल तो आओ, पर ना अपनी सेफ्टी से आओ, ठीक है, बचाव है। तो आप चलते हैं यार सर, क्योंकि यार ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं होगा यार, क्योंकि अब नहाना भी जाके ना, क्योंकि बीमार हो चुका हूँ। चलते हैं अब हर सर की ओर। तो कैसे पहुँच चुके हैं हम ना, हर सर पहुँच गए, अभी पहुँच गए हैं, ताजे ATM भी बंद है यार, पता नहीं कैसे है, और गला भी ख़राब हो चुका है। चलते हैं और मार्केट के सामान लाना था कुछ, कहीं और से लेंगे अब मैं जाके। तो पहले चलते हैं मामा मम्मी से मिलते हैं, फिर चलते हैं शोर से भी मिल लेते हैं साथ में। अभी आए थे, अभी चले हैं सामान लेने, चलते हैं कुछ लेना है और फिर चलते हैं, फिर वापस आते हैं। तो गाइस आज ना हर्षद भी आ चुके, मतलब घर जोड़ के आ गए, मतलब ATM खुला ही नहीं है, मतलब
ये क्या बात हुई यार, बैंक को बंद है इसका मतलब क्या एटीएम भी बंद ही रहेगा क्या? और क्या बोलते हैं यार, किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो कैश कैश कैसे निकाले कैश? अगर उसके पास कैश नहीं है, अगर किसी का गूगल पे नहीं है तो क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? ये मेरे को ना आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, क्या मतलब मजाक बना के रखा है यार, कमाल की बात है। किसी को ज़रूरत है फिर भी नहीं वो मिल रहा है, मतलब कोई एटीएम ही बंद खुला नहीं है, बंद हो रहा हूँ, खुला ही नहीं है। क्या यार ऐसी चलेगी यार, क्या यार कोई इसके इमरजेंसी हो, कोई ऐसा ऐसा पर्सन हो उसको क्या करेगा, मतलब क्या करेगा यार अगर गूगल पे भी ना हो उसके पास तो। यार पंगा है तो चलते हैं यार, अब करना क्या, अब चलते हैं मामा जी के घर, देखते हैं शाम को क्या होता है, फिर करते हैं थोड़ा एंजॉय। तो गाइस अभी पहुंचे हैं मामा जी के, चलते हैं। सब के काटने की कोशिश, ये श्योर है। और भी बहुत खुश है, कौन है कह हो? Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that said. Those world and people fall. In this crazy world I don't belong. Yeah, mom is still there. Abu, where? फेशियल फेशियल अब नजारे हैं इसको बहुत जल्दी, क्या बात है तो गाइस अंधेरा हो चुका है, मतलब हम ना एक प्रोसेस थी जो हमने ना बुलाए नहीं थे, मतलब बुलाना चाहते थे तो नहीं बुला पाए क्योंकि नानी की डेथ हुई है, तो जो थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम किया है तो बस रिश्तेदारों के जो घर हैं उनको केक देने चले हैं। मैंने ये शोर देखा, हाथ भी पकड़ा हुआ है, अबू चल रहा है आगे और देखे आते हैं फिर करते हैं आगे कार्रवाई क्या करनी है। तो गाइज आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे सपोर्ट करते रहो। और अबू भी आ चुका है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।